ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल वेलकम टू द हिंदू सेशन दिस इज़ हर्षवर्धन त्रिपाठी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू ऑफ नाइन्थ अक्टूबर एंड इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा खबरें आज के संडे के न्यूज़पेपर में जैसे कि पेजेस आए हैं वो न्यूबल प्राइसेस के ऊपर हैं तो वो वाले पेजेस आप पढ़ लीजिएगा हम आपको पहले बता देते हैं कि क्या क्या हुआ तो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ब्लास्ट डैमेजेस रशियाज आर्टेरियल लिंक टू क्रीमिया ये क्रीमिया एक पर्टिकुलर रीजन है जो कि रशिया ने 2014 में यूक्रेन की टेरिटरी से छुड़ा लिया था और जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एक रोड रो, रोडवे और रेलवे लिंक है अब क्रीमिया जो है एक पेनिन्सुलर रीजन है जो कि रशिया मेन लैंड से काफ़ी अलग है और ब्लैक सी के ऊपर एक आइलैंड की तरह है और उसका बहुत छोटा सा नारो लैंड रीजन जो है वो कनेक्ट करता है यूक्रेन से तो वो लैंड वाला जो रूट है वो तो यूक्रेन को कवर करता है तो इसलिए रशिया वहाँ से तो नहीं जा सकता है क्रीमिया में लेकिन फिर क्या होता है कि ये क्रीमिया को सी लेन के माध्यम से रशिया से कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे आया है कि एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ है अब किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया रशिया ने ना तो यूक्रेन को कहा कुछ ना यूक्रेन ने रशिया को कहा लेकिन यूक्रेन ने अपने जवाब में ये कह दिया है कि तुमने पेनसुला को एनेक्स एनेक्स किया था हमसे कैप्चर किया था और ये बस शुरुआत है यूक्रेन ने ज़िम्मेदारी नहीं ली इस अटैक की या इस डैमेज की बट कहा कि ये शुरुआत है वो जो स्ट्रेट है जहाँ हुआ ये याद रखिएगा ये कर स्ट्रेट रिसेंटली यू पी ना एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है जहाँ पे वो रिसेंट हैपनिंग्स के जो जोग्राफिकल जो लोकेशन होते हैं उनको पूछ लेता है जैसे 2022 के पेपर में सवाल थे कि कौन सी कंट्री अफ़गानिस्तान का नेबर नहीं है ठीक है इसी तरीके से यूक्रेन के नेबर्स भी पूछे जा सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो पूछा जा सकता है तो आपको थोड़ा इसको मैप में देखना चाहिए आप जब मैप में देखेंगे तो आप देखिए यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्रीज है यूक्रेन बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? ठीक है थीके? और फिर आप जब देखिए तो आप फिर वहां पे सीज को नोटिस करिए कि कौन कौन से समुंदर हैं व्हाट आर द सीज ओवर देयर तो आपको सी जो देखनी है वो ब्लैक सी तो देखनी है ब्लैक सी के आसपास किस तरीके से कंट्री अरेन्ज है ठीक है तो आप उस चीज को देखने की कोशिश करेंगे पर यहाँ पे कर्ज स्टेट की बात कर रहा है फॉर विच रशिया डिड नॉट इमीडिएटली असाइन ब्लेम प्रॉम्प्टेड ग्लीफुल मैसेजेस फ्रॉम यूक्रेनियन ऑफिसर्स बट नो डायरेक्ट क्लेम ऑफ रिपॉन्सिबिलिटी रशियन ऑफिसर्स ने कहा कि लोग मारे गए हैं और ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ कार ट्रैवलिंग नियर अ ट्रक दैट ब्लू अप एक कार है जो कि फोड़ दी गई अब आप समझिए देखिए जब यूक्रेन ने क्यों जिम्मेदारी नहीं ली क्योंकि ऑब्वियसली कोई मिलिट्री मिलिट्री टैक्टिक्स के तौ तौर तरीके से ये चीज़ नहीं की गई है लोकल इंसर्जेंट्स का यूज़ किया गया है और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर यह आरोप लगे है ना कि उसने लोकल इंसर्जेंट्स का यूज़ किया दूसरा ये वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा वाला यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से वेरी डाउन ट्रॉड एंड नगलेक्टेड लोगों का जो प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम है या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकता है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के जो ट्राइबल कम्युनिटी है जिसको हम नोमैडिक कम्युनिटी कहते हैं जो बेसिकली भेड़ बकरी पालते है द वीवर्स एंड एज वेल एज द यू कैन से द लाइफ स्टॉक कम्युनिटी दट दट बेसिक दे आर एक फाइनेंस कम्स फ्रॉम द लाइफ स्टॉक बेसिकली वॉट हैपन्स ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विंटर द रीजन गोज वेरी वेरी कोल्ड सो ह्यूमन हैव यू नो एडेप्टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दे हैव हीटर्स दे कैन बर्न द फायरवुड एंड दे कैन स्टिल सेटल ओवर देअर बट the livestock, the cattle that is there, is unable to, is unable to adapt to this uh, uh, reduced temperatures. so what happens usually is that the livestock starts moving uh, 130, 200 kilometers south, in to south regions. so there are two tribal groups, uh, nomadic communities, you can say, gujars and bakirwals, uh, whose path यू you नो know, जिसका रास्ता जो है ये ट्राइबल अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे स्टेट का आ, मतलब यूनियन यूनियन गवर्नमेंट का वो कोशिश कर रहा है कि इनके रास्ते को ट्रेस कर सके बाय अलाउिंग दैम स्मार्ट कार्ड्स अभी जो स्मार्ट कार्ड्स हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं ये इनके मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हैं उस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ये ये बता सकते हैं कि रास्ता जाने लायक है कि नहीं है अलॉन्ग विद डैट काफ़ी सारी रिमोट सेंसिंग की चीज़ें हैं तो यहाँ पे इंडियन सैटेलाइट्स भी बहुत हेल्प कर रही है इंडिया की अपने ट्राइबल कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तो ये आपके लिए एक बहुत लीडिंग एग्जाम्पल की तरह बन के आ जाता है कि किस तरीके से स्मार्ट कार्ड जो हैं वो हमारे लिए मदद करेंगे है ना तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैव बीन ऑफर्ड दिस ईयर टू हेल्प देम कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन लेस टाइम एंड मोर सेफली तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी प्ले अ रोल हाउ कैन टेक्नोलॉजी प्लेयर रोल तो आप लिखेंगे टेक्नोलॉजी रोल आर मेनीफोल्ड फोल्ड टेक्नोलॉजी रोल आर मेनीफोल्ड फोल्ड जैसे टेक्नोलॉजी कैन एंश्योर रिकोगशन देखिए किसी भी जगह पे जब आपको बेनिफिट्स पाने हैं गवर्नमेंट का बेनिफिट पाना है तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको रिकॉग्नाइज़ पहले किया जाए कि आप नीडी हो आपको जरूरत है है ना तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे अंडर रिप्रेजेंटेड हैं अनरिप्रेजेंटेड हैं तो जो टेक्नोलॉजी है वो इंश्योर कर सकती है रिकॉग्निशन ऑफ वलरेबल सेक्शन जैसे कि हर इंडिविजुअल को अगर एवरी इंडिविजुअल को एक स्मार्ट कार्ड दे दिया जाए वो स्मार्ट कार्ड क्या करे उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट उसकी आइडेंटिटी को स्टोर करे उसके बायोमेट्रिक्स को स्टोर करे उसके बायोमेट्रिक्स को स्टोर करे और उसकी पोजीशनिंग जो है वो भी अपने पास रखे एंश्योर रिकग्निशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शन और, और टेक्नोलॉजी वॉट एल्स इट कैन डू

जहां पे भी आपको टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है वेर एवर टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट यू इट विल यू ऑल्टरनेट वायबल ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग में ट्रैकिंग में ठीक है रजिस्ट्रेशन में ट्रैकिंग में रजिस्ट्रेशन में ये सबके वायबल ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है दूसरा इसके अलावा नेसेसरी इंटरवेंशन होगा नेसेसरी इंटरवेंशन नेसेसरी इंटरवेंशन है टेक्नोलॉजी का टू असिस्ट इन ट्रांसपेरेंट टू असिस्ट इन ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेस करेक्ट इंश्योर्स दैट सिक्योरिटी एंड ट्रेसिंग सिक्योरिटी एंड ट्रेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल सो इट इज नॉट ओनली गोइंग टू बेनिफिट द पीपल इन सम वे इन अ वेरी लिमिटेड सेंस इट इज ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट द गवर्नमेंट ऑल्सो बिकॉज सिक्योरिटी एंड ट्रेसिंग ऑफ एन इंडिविजुअल कोई गायब हो जाए या कोई टेरिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आपको पता है कि आपने किस किस को परमिशन दी है ठीक है ट्राइबल्स को कैसे हेल्प करता है ये अगर हम ट्राइबल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो अगेन ट्राइबल्स को भी रिकोगनीशन की जरूरत है ट्राइबल्स को भी वाइबल ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है और उनका एक तरीके से डिजिटल लिटरेसी जो है डिजिटल लिटरेसी जो है वो भी प्रमोट होता है एक्सेस टू तो टेक्नोलॉजी उनका बेटर लाइवलीहुड को भी इंश्योर करता है करता है कि नहीं करता है उनको ज़्यादा सर्विसेज के बारे में पता है एक्सेप्टेंस या कह लीजिए गवर्नमेंट स्कीम का पिनीट्रेशन जो है गवर्नमेंट स्कीम का जो पिनीट्रेशन है वो भी हो जाता है इनमें तो आप ये समझिएगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने को यह पता चले कि टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में हम क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं तो यहां पे ये जो टेक्नोलॉजी पासिस फॉर द पाथ फॉर द वेरी वाला ऑप्शन आपको ये आ, आर्टिकल आएगा इसको आगे हम रीड करते हैं नीदर फैक्शन कैन यूज सेना सिंबल ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंटरेम ऑर्डर दिया है और कहा है कि ना ही उद्धव ठाकरे जी ना ही एक नाथ शिंडे जी शिव शिवसेना के ओरिजिनल सिंबल को अभी फिलहाल यूज़ करें एक बाय इलेक्शन होने वाला है नवंबर तीन को तो उसके लिए कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है ऑल्टरनेटिव नेम्स और सिम्बल्स सजेस्ट किए हैं जो फ्री सिंबल्स हैं जो कि रिकगनाइज सिंबल्स मतलब रजिस्टर्ड uh, सिंबल्स नहीं है फ्री सिंबल्स हैं टेम्प्रेरी मेजर के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनका यूज इस्तेमाल कर सकती है तो यहाँ पे ये जो देखने को हमें मिला कि ये इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आपको एक बजे तक क्या है सबमिट uh, करना है नाउ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर माई डियर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू प्रिपेयर द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सो रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर गिवेन फर्स्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ तो इसको ऐसे देख लेते हैं यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है देखिए बॉडी है ठीक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल मेंबर्ड बॉडी है इट इज अ थ्री मेंबर्ड बॉडी हमेशा इसमें तीन मेंबर्स होते हैं एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं है ना अभी करेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो राजीव कुमार है ठीक है और दो इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए अभी ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर भी है ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर वी हैव दिस थ्री मेंबर्ड बॉडी बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर दैट किसी एक पर्सन का डोमिनेंस ना हो जाए है ना और आपको पता है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडिपेंडेंट भी है इंडिपेंडेंट इस तरीके से है कि इसका जो चीफ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो अब आप इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो फंक्शंस हैं जो फंक्शंस हैं ठीक है ठीके? वो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी पता होना चाहिए वो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी पता होना चाहिए

election commission of india and we'll try to create a short notes of election commission of india right so in this uh, you will find these basically three important uh, news areas whereas two are the most important areas if you move further ahead and you can you know that we usually try to avoid this particular uh, you know uh, the state specific news but again this particular thing is actually related to a constitutional problem as you can see the lieutenant governor vinay kumar Saxena and cm arvind kejriwal are sharing hot letters amongst each other crit criticizing and condemning each other's actions and decisions and whatever it is so we have usually witnessed that why the chief minister of india is always in conflict or is is, is always against uh, you you see what the lieutenant governor has to say and recently there are देर आर देर आर बेसिक क्वेश्चन पोजिशन व यूनिक पोजिशन ऑफ गवर्नर ये भी आ, बड़ा न्यूज में होता है यूनिक पोजिशन ऑफ गवर्नर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है आपको इसके प्रोस और इसके कॉन्स बताने हैं फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट सिमिलरली हम ये देखते हैं वेस्ट बंगाल में होता है सिमिलरली हमें तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है सिमिलरली हमें केरला पे भी देखने को मिल रहा है और सिमिलरली यही चीज हमें आप देखोगे सो यू विल फाइंड इट फॉर डेली ऑल्सो राइट सो दीज आर द रीजन्स वेयर यू विल फाइंड दैट यू नो द बीजेपी गवर्नमेंट इज नॉट देयर द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव इट्स प्रेजेंस इन दीज पर्टिकुलर स्टेट्स हाउ आर जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी बाय नाउ सो दिस इज आउट ऑफ पिक्चर बट वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु केरला एंड दिल्ली, दीज आर द फोर प्रोमिनेंट स्टेट्स वेयर द चीफ मिनिस्टर्स हैव बीन एलिजिंग दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मिस यूज द पावर ऑफ द गवर्नर हाउ सी गवर्नर अगेन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वी विल से इट्स नॉट जस्ट अ पोस्ट इट्स अ बॉडी ऑल्सो बिकॉज इट हैज एक्जीक्यूटिव पावर्स सो गवर्नर इज द एक्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर हैं इट हैज समर्ट ऑफ जुडिशियल पॉर्स

state legislative assembly state legislative council right and governor reserves that so governor can either either give assent to the bill governor can either assent governor can either send it for reconsideration send it back for reconsideration all right or governor can forward it to president for his reference forward to president सो यूजुअल केस में केरला तमिलनाडु में भी रिसेंटली देखने को मिला है कि गवर्नर ने वहाँ क्या किया है कि जो स्टेट लेजिस्टिव असेंबली के जो बिल्स थे उनको प्रेसिडेंट को पास कर दिया अब प्रेसिडेंट किसको रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट तो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये क्या है ये स्टेट गवर्नमेंट है कानून किसने बनाया असेंबली ने स्टेट असेंबली ने बनाया उसमें जो कौन लोग थे वो लोग थे जिनको चुन के चयनित करके स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई बेसिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपने स्टेट के लिए लॉ जो बना रहे हैं उसको आप यूनियन गवर्नमेंट के एक तरीके से रेफरेंस में भेज दे रहे हो तो यह क्या हो रहा है स्टेट ऑटोनॉमी स्टेट की लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है किसी लिमिटेड सेंस में कह लें या गलत तरीके से कह लें अंडर किया जा रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि स्टेट्स इंटरेस्ट जो है वो सबसर्व हो रहा है स्टेट इंटरेस्ट सब सर्व हो रहा है इंडिया में आप यहां पे यह भी बता सकते हो कि देखिए ये गवर्नर बेसिकली कौसाई फेडरल क्वासाए फेडरल फीचर का एक जीता जाता एग्जाम्पल है कौसाई फेडरल का फीचर का जीता जाता एग्जाम्पल गवर्नर हो सकता है कौसाई फेडरल का जीता जाता एग्जाम्पल कॉन्कोरेंट लिस्ट हो सकता है कौसाय फेडरल का जीता जाता एग्जाम्पल रेसिडवरी हो सकता है रेसिडवरी पावर्स ऑफ गवर्नर ठीक है तो ये सारी चीजें आपको अपने आंसर्स में या अपने नोट्स में ऐड करनी पड़ेंगी तभी आप वर्सेटाइल दिखाई दोगे कि हाँ भाई होलिस्टिक कवरेज है किसी भी टॉपिक का तो वो चीज़ आपको यहां से देखने को मिलेगी आफ्टर ऑल वाई डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइस आफ्टर ऑल यू नो बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो आप ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हो पूरी दुनिया थोड़ी कॉन्स्पायर करेगी सो डोंट माइंड द बैकग्राउंड नॉइज आई होप यू अंडरस्टैंड यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज है इसमें बस आप ध्यान रखिएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है तो वॉइस पे आपको लिमिटेड टू थ्री लाइंस लिखनी है और वो भी बहुत जनरल होनी चाहिए वो ऐसी लाइनें लिखी है जो कि आप कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सके चाहे तमिलनाडु की बात हो चाहे केरला की बात हो यूजली स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन तो आते नहीं है बट आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है है ना आ, इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे शादीवादी करनी है तो देख लीजिएगा मैट्रीमोनियल पेज आया भैया एलिट मैट्रीमोनी डॉट कॉम यार ये देखो डिवॉर्स गर्ल विथ एट ईयर्स ओल्ड थर्टी फोर फाइव टू एम ई पी एच डी असिस्टेंट प्रोफेसर सिक्स प्रोफेशनली क्वालिफाइड तमिल मुस्लिम ग्रूम सेटल्ड फ्रॉम चेन्नई सीम्स प्रोफेशनली क्वालिफाइड प्रोफेशनली क्वालिफाइड तमिल मुस्लिम ग्रूम नाउ ही मस्ट बी अ मुस्लिम ही मस्ट बी अ ग्रूम एंड ही मस्ट बी अ तमिल ऑल्सो फ्रॉम चेन्नई सेटल्ड फ्रॉम चेन्नई सो इतना स्पेसिफिकेशन है लड़का मिलना ही नहीं है इनको <laughs> निश्चित सी बात है तो ये इस तरीके की चीज़ें काफ़ी फनी होती है आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बट देन हाँ अगर देखिए इस तरह का मजाक अगर मैं पब्लिक फोरम पे कर दूँ तो अगेन इट्स लाइक अ टारगेटिंग एन इंडिविजुअल यहाँ पे किसी भी तरह का किसी व्यक्ति का आइडेंटिटी रिवील नहीं हुआ है ठीक है वी हैवेंट रिवील द आइडेंटिटी आई हैवेंट स्टेटेड एनी एनी डेरोगेटरी स्टेटमेंट टुवर्ड्स एनी वूमेन तो प्लीज़ नेवर माइंड दैट एंड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम आई शुड कम बैक टू द टॉपिक राइट

आप देख सकते हो कि फायर क्रैकर में ऐसा क्या होता है जो एयर क्वालिटी को बर्बाद कर सकता है उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मल्लिका अर्जुन खरगे को मल्लिका अर्जुन खरगे को कांग्रेस का फाइनली लीडर चूज़ कर लिया गया है और मल्लिका अर्जुन खरगे ने एक बहुत ही बोल्ड मूव लिया और बोला कि 50 परसेंट पोस्ट जो है हम युवा को देंगे ऑब्वियसली बात है अब युवा को नहीं दोगे तो ये पार्टी शायद ही कभी रिवाइव कर पाए तो इनको ये चीज़ समझ में आई न्यू कांग्रेस ही वोट भी रिमोट कंट्रोल्ड राहुल ने कहा कि अब अब आप रिमोट कंट्रोल का आरोप नहीं लगा सकते कि सोनिया गांधी कुछ कह रही हैं पर अगेन वही बात है ये तो सिर्फ कहने की बात है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर टेक्स अ ब्रेक टू शॉप इन चेन्नई मार्केट ये ये भी अगेन एक पॉलिटिकल मूव निर्मला सीतारमन जी पहुंची हुई हैं जहाँ पे माइलापोर में ये इट्स इट्स अ पार्ट सम सम एरिया इन द चेन्नई दिल्ली में वहाँ पे तमिलनाडु में और वहाँ पे ये इन्होंने क्या क्या किया तो आप इसको गुड रीड की तरह रीड करते हो है ना म्यूज़िक फेस्ट रिटर्न टू सूट्स कार्ड सोल्स अब आप इसको गुड रीड्स की तरह रीड करोगे बाकी प्रिपरेशन नहीं करेंगे यहाँ से हम यहाँ से हम प्रिपरेशन करेंगे ये वाला जो टॉपिक आया है जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के जो uh, चीफ हैं है, है ना चीफ हैं उन्होंने इट्स लाइक एयर चीफ मार्शल ही हैज ऑन एयर फोर्स डे सो एयर फोर्स डे इज यूजली ऑब्जर्व ऑन एट अक्टूबर एट्थ अक्टूबर एंड द प्रिपेशन आर ऑल्सो अंडर वे फॉर द आर्मी डे दैट वी विल सेलिब्रेट ऑब्जर्व ऑन जनवरी फिफ्टी राइट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सो एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने बोला कि पहली बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो परेड हो रही है ये डे ऑब्जर्व किया जा रहा है ये दिल्ली से हटके ऑब्जर्व किया जा रहा है और ये चंडीगढ़ में ऑब्जर्व किया जा रहा है कहां ऑब्जर्व किया जा रहा है पहली बार चंडीगढ़ में किया जा रहा है ठीक है ये क्वेश्चन हो सकता हो आपसे स्टेटमेंट बेस पूछ दे और इस बार पहली बार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक वेपन सिस्टम ब्रांच बनाने का फॉर द ऑफिसर्स इन द इंडियन एयरफोर्स जो कि वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ऑफ द फोर्स अंडर वन रूफ सारे वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स जो हैं उन सबको एक छाते के नीचे ले आएगी फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज एन एयरक्राफ्ट ग्रोइंग यू नीड टू टेल दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट एज टू what shall be you know what shall be the route what's what is the air traffic what is the altitude it needs to maintain then there are on ground people who will tell you what is the target area where it is located so everything the all the sort of weapon systems whatever it is there should be guided under one roof and that is what the air chief marshal has said also observe that this is the 90th air force day which means that these days are being observed since british era ब्रिटिशर्स के टाइम से वो एरा चल रहा है और वो एक तरीके से हमारा लेगेसी बन गया है ठीक है और उसमें आपको यहाँ पे ये यह पता चलेगा कि डिफ़ेंस मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया प्रेसिडेंट भी आए एयरफोर्स डे की परेड एट चंडीगढ़ देखने के लिए इस बार डिफरेंट लोकेशन में हुई है है ना और जो परेड हुई है वो फ्लाई पास्ट हुआ सुखना लेक पे वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट भी आए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो इस बार अनाउंस किया है प्रचंड उसने भी पार्टिसिपेट किया एयर uh, वॉरियर्स को अग्निपीथ पथ स्कीम में भी इंडक्ट करने की बात की जा रही है जिसको अग्निवीर वायु कहा जा रहा है तो तीन हज़ार अग्निवीर वायु भी इंडक्ट किए जाएंगे ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ने को मिली भारत के हरदीप सिंह पुरी साहब ने कहा कि नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है इन्होंने कहा कि ओपेक प्लस ने जो सैक्शन लगाए हैं या ओपेक प्लस ने सेंक्शन क्या लगाए हैं ओपेक प्लस ने बेसिकली ये बोला है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ग्रुप है ओपेक प्लस और उसका उसने ये बोला है इट्स इट्स इट इज़ कॉल्ड एज अ कार्टेल कि हम अपना प्रोडक्शन जो है तेल का टू मिलियन बैल्स कम कर देंगे उसमें रशिया भी शामिल है उसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है तो ओपेक प्लस कंट्रीज़ को बहुत सारी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया फिर छोड़ा फिर ज्वाइन किया तो आप ओपेक प्लस के बारे में पढ़ सकते हैं इंडिया ने यहाँ पे यह भी कहा कि ग्रुप सेवन कंट्रीज़ ने ये भी जी सेवन कंट्रीज़ ने तो कह दिया है कि वो रशियन ऑयल पे प्राइस कैप लगाएंगे है ना लेकिन इंडिया ने कुछ भी ऐसा अनाउंस नहीं किया है पर इंडिया इनके हिसाब से इंडिया पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड है अगर आप प्रोडक्शन डाउन भी करेंगे तो इंडिया उस क्राइसिस से खुद को बचा ले जाएगा अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है कितनी प्रिपरेशन है दैट वी डोंट नो यहाँ पे देखिए सी ललित सेट्स अ फ्रेनेटिक पेस इन द सुप्रीम कोर्ट ये इनका टेन्योर हमारे जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यू यू एलित जस्टिस साहब ये 74 डे के लिए ही मात्र चीफ जस्टिस बने हैं बट इन्होंने काफ़ी सारे सिस्टमिक चेंजेस कर दिए अभी कोविड तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपको पता है कि मिनिमम पाँच जजेस की होती है मिनिमम पाँच जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है यानी कि कोई भी मैटर ऐसा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल परस्पेक्टिव के लिए जरूरी है सुनना समझना तो उसके लिए पांच जजेस हम बिठाते हैं एट मिनिमम एट मोस्ट एट ठीक है तो ये सी जी आई यूल जब बने तो इन्होंने खूब सारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट कर दिए और सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी जो है वो सत्तर हजार तीन दस केसेस की है सत्तर हजार तीन सौ दस केसेस की है जो अपने आप में कम होकर 69,461 हो गई तो इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया है कि कितने समय तक के लिए आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हो वो जरूरी नहीं है आपका क्वालिटी टाइम होना चाहिए यह जो पर्टिकुलर न्यूज है आपको जीएस टू में भी हेल्प करेगी यही पर्टिकुलर न्यूज आपको जीएस फोर में भी हेल्प करेगी जहां पे एथिक्स और इंटीग्रिटी की बात है जहां पे आपके प्रोफेशनलिज्म की बात है जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है वहाँ पे आप जी यू वलित साहब का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेंच बनाई गई वो ओबियसली लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखने के लिए बनाई गई तो आपको करंटली क्या क्या चीज़ें हैं सब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से चेक करना है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जैसे पहला आप देखोगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लीगलिटी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भोपाल गैस ट्रेटडी के लोगों का कंपनसेशन बढ़ाना डिमोनिटाइजेशन पॉलिसी वैलिड है कि नहीं है वो देखना ठीक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं वो देखना जलाली कट्टू को जल्ली कट्टू को कल्चरल राइट्स देना महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस है ना dispute between the delhi government and the lieutenant governor that we were discussing today also in the and the control of the civil services and muslims to be considered not as a minority anymore but as a socially and educationally backward classes setting up regional benches of the supreme court also this is also the matter that is there and polygamy challenge to polygamy wherever polygamy is there challenge to the polygamy जिसमें आपको पता है कि एनएचआरसी को और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को इम्पलीट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने काफी पहले और दूसरा है बोरा कम्युनिटी का एक्स कम्युनिकेट डिस बोरा कम्युनिटी का इतने सारे मैटर्स आप देख सकते हो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह मैटर्स जो हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की डिमांड करते हैं तो चीफ जस्टिस ललित ने यह इंश्योर किया है कि जितने पंद्रह बेंचेस हमको चाहिए हैं ऑफ़ द कोर्ट वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि पंद्रह बेंचेस बनाई जाएं चीफ जस्टिस यू वी ललित ने यह भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमेशा काम करती रहे और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा दूसरे जो हमारे बड़े फेमस जज हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूत रात को सवन और दस बजे तक ये कोर्ट चला रहे हैं तो वकील यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सर हमें थोड़ा समय भी मिलना चाहिए ब्रीफ प्रिपेयर करने का आप बहुत कम समय दे रहे हैं हमें हमारी फ़ाइल प्रिपेयर करने का समय नहीं मिल रहा है तो ये पेंडेंसी ऑफ केसेस को प्रोएक्टिवली जुडिशियल ऑफिसर्स एज वेल एज द चीफ जस्टिस के टाइमली इंटरवेंशन से क्या खत्म किया जा सकता है क्या कम किया जा सकता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज द फेमस कोर्ट दैट यू कैन यूज एंड डेफिनेटली वट एवर वी स्टडी फ्रॉम द न्यूज़ पेपर डियर इज बेसिकली फ्रॉम द प्रीलियम्स मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता है कि Uh, कितना भी कर लो आप कम लगेगा बट हम जो भी पेपर मैं जो पेपर कवर कराता हूँ वो यूज़ली कोशिश करता हूँ कि मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इंक्विजिशन लेवल है सोचने समझने की जो क्षमता है करंट अफेयर्स को देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदले वो थोड़ा सा ओपन हो अवेयरड हो कि किस तरीके से आप न्यूज़पेपर को यूज़ कर सकते हो आप बहुत सारे टॉपर्स को सुनते हैं कि न्यूज़पेपर ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है लार्जली ऐसा ही है कि न्यूज़पेपर भाई देखिए ये पर्सनल चॉइस है कुछ बच्चों को एनालिसिस से समझ में आता है कुछ को बिना एनालिसिस देखे भी न्यूज़पेपर पढ़ना समझ में आता है जैसे मेरा मानना यह है कि अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस देख के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आई थिंक आपको ये सोच आपको रिकनसिडर कर लेना चाहिए कि आप ये यू का पेपर क्यों देना चाह रहे हो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको किसी एनालिसिस की ज़रूरत पड़ रही है इनिशियली अगर आप दो महीने तीन महीने के लिए देख रहे हो कि पेपर को कैसे पढ़ते हैं एक फ्लो समझ में आ जाए तो जस्टिफाइड है पर एनालिसिस कर लिया और पेपर को रीड नहीं किया सोच लिया कि यार हमें नोट्स जो मिल गए उतना ही हमने पढ़ लिया या यहाँ पे जो हाईलाइट करके बता दिया गया उतना ही हमें पढ़ना है यह आपके लिए बहुत खतरनाक और घातक साबित हो सकता है काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ़ एनालिसिस देखने से काम नहीं होगा बॉस आपको पेपर भी पढ़ना पड़ेगा इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है डिबेट ओवर वीवी पार्ट स्लिप्स और विजुअली ओवरेंड अब देखिए ये बात करता है राइट टू वोट की किसकी बात करता है राइट टू वोट की हर व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है जो भी सिटीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशन है अब वो अंधा है वो गूंगा है वो बहरा है वो फिजिकली हैंडी है वो किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का है आप इस बेसिस पे किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते जो राइट टू वोट के हकदार लोग हैं स्टेट की जिम्मेदारी है कि सारे संसाधन ऐसे बनाए सारी सुख सुविधाएं ऐसी बनाए सारी टेक्नोलॉजी ऐसी दे जो कि इन वल्नरेबल और यू कैन से इम्पावरेस्ड और इग्नोर्ड और नेगलेक्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इन्श्योर कर सके कि इनका भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो तो राइट टू वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक पिटीशन आई उस पिटीशन में कहा गया कि एक टेक्नोलॉजी है इमेज टेक्स्ट टू स्पीच इमेज टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन्स में होगा क्या इस तरीके से एक एक अंधा व्यक्ति जब वोट करने आएगा तो वो हेडफोन लगा लेगा जब वो हेडफोन लगा लेगा तो बेसिकली जो ई मशीन का जो वॉइस है वो हेल्प करेगा व्यक्ति को बताने के लिए कि कौन सी इमेज है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है और आपको कौन सी बटन दबानी है किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए उस हिसाब से जब आप बटन दबा देंगे तो वो जो स्लिप निकलती है ना जैसे आपने वोट किया मान लीजिए कमल पे तो कमल की पर्ची आ जाएगी कमल को आपने वोट किया वहाँ आपको ग्लास के अंदर दिखाई देगा दिखा कि एक जैसे एटीएम में नहीं स्लिप निकलती है वैसे वहाँ पे भी एक स्लिप रोल होती है कि एक वोट कमल को आया वहाँ तक होते होते वो पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो आपको ई मेज टू स्पीच सॉफ्टवेयर जो है वो आपको हेल्प करेगा अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और ऐसी पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह तो नहीं सकता है कि तुम यही करो तो इसने बेसिकली एक रिकमेंडेशन uh, लिखा नोटिस लिखी और सीख के रिप्लाईज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के और लॉ मिनिस्ट्री के ठीक है तो यहाँ पे अभी क्या आया है एक इशू uh, क्रिएट हो गया है जहाँ पे कि आरटीआई डाली गई सवाल जवाब हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इसको क्यों नहीं लागू किया गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने जवाब में कहा कि ये स्टिल अंडर कंसिड्रेशन है बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी जिसको हमें रिमूव करना है ठीक है तो यहाँ पे जो पिटीशन डाली गई रेड पिटीशन एक तरीके से कह लीजिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही हो गई जिसमें इलेक्शन कमीशन को बोला गया है कि आई सिस्टम्स को मैंडेट्रीली ई में इंस्टॉल किया जाए ताकि जो साइट uh, डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो अपना राइट टू वोट ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट तरीके से करा सके भाई अभी अगर अंधे व्यक्ति को वोट करना है तो कोई असिस्ट करने जाता है तो ये ज़रूरी है कि वो अकेले जाए है ना तो यहाँ पे आपको ये न्यूज़ कवर करने को मिलती है अगेन हमने क्या देखा अगेन देखिए हमने डियर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ देख रहे हैं किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आप वालरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो हमने जम्मू एंड कश्मीर का एग्ज़ाम्पल देखा और अब हम यहाँ पर वी वाला भी एग्जाम्पल देख रहे हैं ठीक है तो ये कुछ मेजर खबरें थी ये कुछ मेजर खबरें थीं इसके अलावा यहाँ पे भी एक खबर है कि ओवर क्राउडिंग हो गई है हमारे बंगाल वेस्ट बंगाल के जो जेल हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या के प्रिजनर्स फॉरेन प्रिजनर्स अगर देखे जाएं तो वेस्ट बंगाल में ही बंद हैं और 40 परसेंट ऑफ दोज फॉरेन प्रिजनर्स आर बेसिकली फ्रॉम बांग्लादेश सो so, बांग्लादेश के साथ इंडिया का अराउंड अराउंड 360 किलोमीटर का पोरस बॉर्डर है ऐसे तो सबसे बड़ा बाउंड्री है हमारा 4000 समथिंग किलोमीटर चार हज़ार किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी बांग्लादेश के साथ बट वैन इट कम्स टू पोरस बॉर्डर्स पोरस बॉर्डर्स मतलब जिनको पार करना आसान है यहाँ पे कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट नहीं है तो वैसा मालदा से लेके सुंदरबन तक का जो इलाका है 360 किलोमीटर तक का वहां पे आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्मगल हो जाती हैं जैसे नार्कोटिक्स है कफ़ सिरप है फेक करेंसी है गोल्ड है प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स हैं वो सब स्मगल करते हैं क्रॉस बॉर्डर में अब जो सुंदरबन वाला इलाका है वो ऐसा इलाका है जहाँ पे नदी जो है वो बांट रही है अच्छा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब भी बांग्लादेशियों को पकड़ती है जैसे कि नॉर्थ ट्वेंटी फोर पारागनाज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पकड़ लिया किसी बांग्लादेशी को तो वो बांग्लादेशी कहते हैं कि हम यहाँ पे तो नौकरी ढूंढने आए थे और हम वापस जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल ये कहता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनको जेल में डाल दें है ना अगर नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो किया गया तो उन सबको हम जेल में डालते हैं लेकिन जेल इतनी ज़्यादा बंगाल वेस्ट बंगाल की इतनी भर चुकी है तो बेसिकली जेल में नहीं डालते करेक्शनल होम्स में डालते हैं तो ये जो वेस्ट बंगाल का करेक्शनल होम्स इतने ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुके हैं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है बांग्लादेश की फोर्स को उनको हैंड कर दे रही है और कह रही है तुम्हें जो सही लगे क्योंकि इन्होंने इ क्रॉसिंग करी है बॉर्डर की तो तुम्हें जो सही लगे उस हिसाब से तुम करो है ना तो यहाँ पे आपको ये पूरा एनालिसिस बताया है इसमें अभी शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत भी आई थी काफी सारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट्स भी हुए तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो एग्रीमेंट्स हैं है ना इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन जो है उसके ऊपर जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप पोरस बॉर्डर का इशू जरूर लिखेंगे आप पोरस बॉर्डर का इशू जरूर लिखेंगे और इसमें अगर आप बात करते हैं कि एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए कंट्रीज के बीच में तो एमिकेबल सेटलमेंट में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि किस तरीके से हमारी मिलिट्री फोर्स कोशिश कर रही है कि ह्यूमन राइट्स क्राइसिस ना हो और ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए जेस्टर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड गुडविल को ध्यान में रखते हुए बेसिकली क्या कर रही है इलीगल uh, माइग्रेंट्स को ट्रांसफ़र कर दे रही है जर्मनी का ये कह देना कि यूनाइटेड नेशंस का रोल जम्मू एंड कश्मीर में ज़रूरी है और ये इंडिया ने कहा कि आप फिर विक्टिम्स ऑफ टेरर के अगेंस्ट जा रहे हो आप टेरर विक्टिम्स के साथ ना इंसाफ़ी कर रहे हो ऐसा इंडिया क्यों कह रहा है जर्मनी ऐसा क्यों कह अचानक से जम्मू कश्मीर में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है देखिए ये पूरी तरह से आप देखोगे ये वर्ल्ड वॉर थ्री का ऑनसेट है अब बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा बोलेंगे ऐसा कहेंगे कि इट्स अ हाइपर बोल इट्स एन एग्जाजिरेटेड वर्जन बट ट्रस्ट मी वर्ल्ड वॉर थ्री इज येट आ, Just practical warfare, but it has already started and it has it is it is yet to come to its peak. But onset ho You can see that different international countries are realigning together, and we don't know what will happen in the next two to three years, and we even don't know how grave the situation will be in the immediate next six months. But the best that we can ensure is India is trying to maintain an autonomy. Uh, autonomy in decisions that affect India, in decisions that are bilateral to us that we have basically with a country and secondly it's it is called as a strategic autonomy and we are trying to stay non aligned also so strategic autonomy is you can say aggrandized version or you can say updated version of the non aligned movement that was started that we are not we do not have any allegiance to any of the power blocks whether you call it ussr whether you call it uh, east led or whether you, whether you call it west led because India has a unique demography, India has a unique geography, India has its own set of unique problems, and India will not try to go into a war with any of the country. In fact, for that matter, with Pakistan also, you see, Pakistan, there is a reason Pak occupied Kashmir. So U.S. Uh, official come and visit and call P.O.K. as Azad Kashmir. Two days later, you find our Home Minister visiting Kashmir and saying that we will not talk to Pakistan. We will only talk to the Kashmiri people. ऑल्सो कश पाकिस्तान इज सेंग दै यूनाइटेड नेशन लेड डिस्कशन शुड बी देयर ऑन जम्मू एंड कश्मीर फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू कंटिन्यू द टॉक्स अगैन बट देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज इंडिया इज सेंग दैट दो कंट्री का आपसी विवाद है तो उसमें यूनाइट नेशंस क्या कर लेगा और अगर यूनाइटेड नेशंस कुछ कर सकता होता तो रशिया यूक्रेन पर क्यों नहीं कर रहा है आर्मीनिया अजरबाइजान पर क्यों नहीं कर रहा है सीरिया पैलेस्टीन पर क्यों नहीं कर रहा है ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान पर क्यों आ रहा है तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को दिखाई देंगी है ना मुस्लिम फेडरेशन ने रिजर्व कर ली है सीट अपने पैनल में ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि मुस्लिम वुमेन को भी भारत में देखिए इंडियन मुस्लिम्स इंडियन मुस्लिम्स आर बेसिकली गाइडेड बाय द कल्चरल रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशन एज इन व्हाट इट वाज सिंस फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड ईयर्स सो वी विल से दैट इंडियन मुस्लिम्स बेसिकली आर यू नो दे आर अ पार्ट ऑफ द मेन फ्रेम कल्चर ओनली दे जस्ट डोंट एक्सेप्ट इट दैट राइट कि नहीं वो इस्लामिक फेथ को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या ज़्यादा दिखाना चाहते हैं बट अगर आप मतलब जो इस्लामिक नेशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से आप इंडियन मुस्लिम्स को अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी लिबरल दिखाई देते हैं ये ज़रूरी भी है ये ज़रूरी भी है इंडियन मुस्लिम्स को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी है ये चीज़ समझ में आने लगी है कि उन्हें लिबरल होना चाहिए जियो और जीनो दो वाला हिसाब है बॉस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा अच्छा डेवलपमेंट आ रहा है जहाँ पे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मुस्लिम मजलिस ए मुशावरात जब बेसिकली फैक्शन ऑफ ट्वेल्व मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने कहा है कि हम अराउंड एक से दो व्यक्ति जो अपने एग्जीक्यूटिव पैनल में हैं उसमें महिलाओं को रखेंगे तो ये वुमेन राइट्स को आगे ले जाते हुए काफ़ी एक अच्छा एक अच्छा इनिशिएटिव है और आई आई एंड इंक्लूडिंग एवरी वन वेलकम दिस पर्टिकुलर डिसीज़न और ये बहुत अच्छी बात है ये एक गुडविल क्रिएट होती है कम्यूनिटी की लेकिन ये यार इंडियन मुस्लिम्स आर डिफरेंट आप उनको अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ कंपेयर मत करिए आर वेरी वेरी डिफरेंट दे आर वेरी फ्यूचरिस्टिक दे आर वेरी रिफॉर्मेटिव दे आर रैशनल थिंकर्स सो ये ज़रूरी है ना कि कल्चरल कोहैशन होने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के रिलीजन एक दूसरे के फेथ पर ट्रस्ट हो ये ट्रस्ट हो कि हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं हम आपके साथ ही खड़े हैं जस्ट ऑन अ डिफरेंट फुटिंग सो दैट्स व्हाट द द एवरी इंडिविजुअल शुड मेंटेन एंड दिस इज व्हाट वेयर इट इज गोइंग सो यू विल ट्राई टू रीड अबाउट इट यू विल ट्राई टू विमुलेट इंक्लूड द पॉजिटिव पॉइंट्स और राइट दैट वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन राइट्स इज नॉट कमिंग इट्स नॉट बेसिकली अ पर्सनल लॉ राइट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना इट्स अट्स अ राइट अक्रूड टू अ वुमेन बिकॉज शी इज अ सिटीजन इक्वल सिटीजन

इनका नाम है सरजई सुरव सुरवकिन ये बेसिकली काफ़ी यंग है अभी काफ़ी एजड नहीं है काफ़ी यंग है और इनका तजाकिस्तान चचनिया और सीरिया में इनका 1990 से अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा है और यूक्रेन से रशिया को काफ़ी भारी हार महसूस हुई है तो इस चक्कर में रशिया ने अपने जनरल जो है रशिया ने जो अपना जनरल जो है वो चेंज किया है ठीक है चाइना ने अपनी जिन्जियांग रीजन में जो ह्यूमन राइट्स की बात है इंडिया ने बोला था कि जिन्ज्यांग रीजन में ह्यूमन राइट्स उइर मुस्लिम्स का मेंटेन करिए हालांकि इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट वोट नहीं किया अगेन उसका सेम रीज़न यही है कि इंडिया अगर उइर मुस्लिम्स के लिए वोट करेगा तो फिर चाइना यूनएससी का परमानेंट मेम्बर है वो इंडिया को कॉर्नर कर सकता है इसमें ये व्यक्ति देखो सब सामने देख रहे हैं ये व्यक्ति इस आपको आपको देख रहा है तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि उइगर मुस्लिम्स को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे और चाइना ने बोला कि ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएन ऑफिस फॉर हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स और यूएनएचआरसी के बारे में पढ़ लेना चाहिए एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये क्या जरूरी है सो दैट्स ऑल फॉर द करंट अफेयर्स सेशन टुडे आई होप यू एंजॉयड द सेशन बाकी जो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं ये गुड रीड है जैसे चंद्रयान टू ने सोडियम कॉन्टेंट जो है वो मून सर्फिस से निकाला है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हीट वेव्स का है वो काफी इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है ट्रिपल हेलिक स्ट्रक्चर जो है बायो से रिलेटेड है जी एन रामचंद्रम इज अट ए जीनियस स्टोरी देन वी यू विल फाइंड दैट व्ट इज एट दार्ट ऑफ द फिजिक्स नोबल वट इज़ एट दार्ट ऑफ द पैल्यो जेनॉमिक्स एक्सप्लेन अवर ओरिजिन एंड अगेन दिस इज द हार्ट फॉर द नोबल प्राइज फॉर मेडिसिन एंड नाउ हाई यूज क्लिक केमिस्ट्री मोर अफिशियट अगेन इट इज नोबल लॉरेट्स फॉर केमिस्ट्री सो यू विल फाइंड दैट अ लड़ ऑफ लॉट ऑफ गुड एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय द हिंदू एंड क्यों नोबल प्राइज इनको दिए गए ऐसा इन्होंने क्या किया एंड दिस इज ऑन शशि थरूर सो यू कैन ट्राई टू अवॉइड टू रीड इट लैंग्वेज इज अफ यू कैन ट्राई टू अवॉइड इड इड एनी मैन ऑफ द डिक्टेटर यू कैन ट्राई टू अवयड टू हाँ सॉरी एनीमी ऑफ द डिकेटर तो जरूरी है बिकॉज ये नोबल पीस प्राइज के ऊपर है ठीक है? है ये नोबल प्रीस प्राइस के ऊपर है ये लिटरेचर के ऊपर है बट आपको लिटरेचर और पीस प्राइस का पता है कि इतना आपको रीड नहीं करना है आपको साइंस वाइंस वाला ज़्यादा रीड करना है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है पार बॉयल्ड राइस को क्या किया गया कस्टम्स ने बेसिकली हमारे पोर्ट्स में रोक लिया है पार बॉयल्ड अभी इंडिया ने क्या अनाउंस किया कि हमने बोला कि हम एक हज़ार टन्स पार बॉयल्ड राइस जो है वो अटके हुए हैं पोर्ट में इंडिया ने बोला कि हम बीस परसेंट ड्यूटी बढ़ा देंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो राइस है वो एक्सपोर्ट ही ना हो अब ये अभी पारबॉल्ड राइस जो है ये बहुत सारी कंट्रीज़ में जाता है जैसे दुबई जापान कनाडा सिंगापुर और इसको इडली बनाने में यूज़ करते हैं लेकिन कस्टम ड्यूटी ने इसको अलग तरीके का राइस नहीं बोला कस्टम ड्यूटी ने बोला कि ये जो चावल है जो जनरल चावल है विद अ तो फ्लैट वाइट बेली उसी के अंडर आएगा और हम इसको एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे यहाँ पर हाइड्रोजीन हाइड्रेट इम्पोर्ट्स टू फॉल बाई सिक्सटी है तो गुजरात अल्कलीस एंड केमिकल्ड विद साल मैनुफैक्चरिंग हाइड्रोजीन हाइड्रेट इट्स अ लिक्विड इंडस्ट्रियल मटेरियल क्योंकि अब हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर कर रहे हैं रिटेल जॉब सर्चेस जो हैं इलेवन पॉइंट एट परसेंट नीचे चली गई हैं और फिर आपको दिखाई देगा फार्मा एक्सेल सस्पेंस मेंबरशिप ऑफ मेड इन फार्मा ये कुछ अगेन साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड न्यूज़ है जो कि आपको रीड कर लेनी चाहिए और बस इतनी ही खबरें जो थी वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी बाकी स्पोर्ट्स वर्ड्स तो आपको पता है कि हम इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन आई होप यू एन्जॉय टुडेज सेशन दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी पार्टी आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून